अगला सवाल है, क्या जिन इंसान के जिस्म में दाखिल हो जाते हैं? और दूसरा सवाल यही है कि क्या जहां इंसान रिहायश रखता हो वहां जिन भी हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते? जब तुम टॉयलेट में जाते हो क्या कहते हो? क्या मायने है इसका? अल्लाह मैं तेरी पनाह में आया, इन पलीत जिन्नों और जिन्नियों से नहीं होते तो फिर तुम पनाह मांगते हो। जब तुम खाना खाते हो हरम में बैठकर खाना खाओ ना जरा बिस्मिल्लाह के बगैर, हरम के अंदर बैठ जाओ बिस्मिल्लाह के बगैर खाओगे ये शैतान तुम्हारे साथ खाएगा, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। जिन्नात तो होते हैं। अब दूसरा ये सवाल है कि इंसान के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये शैतान तुम्हारे अंदर इस तरह दौड़ता है जैसे खून गर्दिश करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो औरत जिसका हैज नहीं रुकता, जो इस्तहाजा है वो पाक है। क्या हुआ उसको? उसको शैतान ने उसकी आंत में ठोकर मार के जख्मी कर दिया, इसलिए उसकी ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही। ये साफ बात, शैतान ने उसको ठोकर मारी है ना। हमारे पास कैसी जाती है ना ये गायनी के, 20-20 साल से ब्लीडिंग है, बीवी बहने सिर्फ इस चक्कर में दीन से दूरी है, नमाजें नहीं पढ़ती। नहीं जी हम नापाक रहती हैं सदा, 12 साल से नापाक हूं नमाज क्या पढ़ू, जबकि अल्लाह के रसूल इजाजत दे रहे हैं कि वो बीमार है वो नमाज पढ़े, वो कुरान को छुए, हरम में जाए, सब कुछ करे, सिर्फ दीन से दूरी है। वरना तुम्हें सोने से लेकर जागने तक के तरीके, पैदा होने से लेकर मरने तक के, दान का खलाल कैसे करना है, वो मख्फी अमल जो मैं आपके नहीं और आपके भाई करीबी बीवी नहीं वो जानती, जो नबी अलैहिस्सलाम के हमारे सामने आ गए, तो ये कैसे मुमकिन है कि इतने इतने बड़े मामलात हमारे सामने। اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام اللهم أجرنا من النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم يا إخماري بفضلك हमसे ये खिदमत कबूल फरमा, बेशक तू सुनने वाला है जानने वाला है। हमारे रब हमें अपना फरमा बरदार बना ले और हमारी औलाद में से भी एक जमात को अपना इताअत गुजार रख और हमें अपनी इबादतें सिखा और हमारी तौबा कबूल फरमा। तू ही तौबा कबूल फरमाने वाला और रहम करम करने वाला है।